भी हमारे बड़े बाबूजी। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू सभी को। कैसे हो सभी लोग? नए दिन, नई शुरुआत। आज अपन जा रहे हैं अपने गांव में दिवाली पूजन के लिए। तो भाई आ चुका है अपने को लेने के लिए उधर से, और अपने सामान वगैरह सब कुछ पैक है। तो बस चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज का शूट कैसा कैसा, मतलब कैसे पूजा करते हैं हम लोग। चुके हम अपने यहाँ अपने गांव में खेलने, पूजा करने, बहुत टाइम बाद। मतलब ऐसा है, अब तो दिवाली पे आना होता है यहाँ पे। ये यहाँ पर हम लोग चल देते हुए यहाँ पर दोनों जगह चलाते साथ में काफी के। और अब ये यहाँ पे हम लोग स्वास्तिक बनाने के साथ में और भाभी भी साथ में ये बन गया। तब मतलब ये अच्छे से स्वास्तिक बनाया जा। और ये एडिशनल पूजा है, कुछ कुछ सामान रख रहे हैं। और अब ये आटे के दीवे रखे हमने यहाँ पे। ये दिए हम जलाते नहीं, बस सिंपल रखने होते हैं। आपको पूजा करनी है तो सफाई भी करनी जरूरी है ना, तो पूजा से पहले थोड़ी सफाई। और अब यहाँ पे मम्मी और भाभी एक साथ यहाँ पे कुछ सामान रखते हुए, एक तरह से दिवाली के गिफ्ट के बाद कुछ मीठा हो जाए, मीठा मुंह कीजिए, ये लो। और अब पापा यहाँ पे सबको ये प्रसाद देते हुए, ताकि सब लोग अपना अपना मतलब जो पितर होते हैं उनका नाम लेके और फिर यहाँ पे चढ़ा देंगे सबको ऐसे। अब ये सब के हाथ में दे रहे। तो अब मतलब सब कुछ पूजा के बाद एक बार माथा टेकना होता है, तो माथा टेकना जरूरी है, आशीर्वाद एक तरह से आशीर्वाद देना जरूरी हो। तो सब ये अब आशीर्वाद ले। और यहाँ पे मैं हाय बोलते हुए कैमरा। तो भाई अब सब लोग तो नहाते हैं, हम भी नहाते हैं जैसे, तो इनको भी पूजा करने से पहले इनका स्नान करना जरूरी है। तो अब मैं और भाई वही कर रहे हैं, इनको अच्छे से नहला। क्या होता है ना कि नहाने के बाद हम अपना सजावट करते हैं, अपना तिलक करते हैं कई बारी, तो ऐसे ही इनके लिए भी थोड़ा सा तिलक, इनके तिलक के इन द सेंस की स्वास्तिक बनाया जा रहा है इनके लिए, पापा बना रहे हैं जो की। तो भाई अब अपना स्नान भी हो गए, तिलक भी हो गया, तो अब बारी आ जाती है जोत जलाने की। तो अब वही भाई अपना जोत जला रहे हैं। देखा कि मम्मी और भाभी पीछे चढ़ा रहे थे ना, वो कुछ कुछ अब ऐसे ही भाई अपना यहाँ पे कर रहे हैं। अब बारी आ जाती है प्रसाद की, तो पापा और भाई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट का प्रसाद इनको कर रहे हैं, थोड़ा चढ़ा रहे हैं। और अब यहाँ पे सब कुछ हो गया, तो अब बारी है अपना धूप मारने की। तो अभी सब ये धूप मार दी सबने, और अब ये सबने माथा भी टेक लिया ऐसे करके। अरे वाह, फैमिली रियूनियन भी हो गया है अपना, बड़े बाबूजी भी आ गए, ताऊजी भी, हमारी सारी फैमिली इकट्ठी तो हो चुकी है। तो अब बारी है इकट्ठे पूजा करने की, और यहाँ पे हमने सबने इकट्ठे धूप मार लिया। यहाँ पे फिर से हम लोग धूप मारेंगे, यहाँ पे इसलिए मार रहे हैं दोबारा से क्योंकि अब इकट्ठे फैमिली इकट्ठी हो गई दोबारा से साथ मिलके, इसलिए वरना सिर्फ एक ही बार करना होता है। फिर से यहाँ पे माथा टेकेंगे, फिर से यहाँ पे जय जय करेंगे, और फिर इसके बाद एक और नई चीज। तो अब हम ये क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एक तीन चक्कर पूरे, जो कि होती है परिक्रमा, यहाँ की करनी होती है सबको एक साथ इकट्ठे, अगर इकट्ठे नहीं तो जो भी अपनी फैमिली है उसके साथ करनी होती है पूरे तीन चक्कर, ये रूल है एक तरह से बस।
और हर चक्र के बाद यहाँ पे ये माथा टेकना होता है हर किसी को। अब ये हमारा दूसरा चक्कर है, अभी हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमने ये देखो, जैसे अभी ये सब लोग माथा टेक रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट थर्ड चक्र भी कंप्लीट होने वाला है, परिक्रमा भी होने वाला है। ये लास्ट माथा टेक लिया सबने, और अब यहाँ पे ये साथ में एक जल देना होता है सबको। अब ये जल होता है दूध वाला जल। अब हम लोग जा रहे हैं ग्रुप ऑफ घास कुछ टाइप होता है एक, वो ढूंढने के लिए, जिसके अंदर फिर से जल चढ़ाए। और यहाँ पे हमारे बाबूजी को मिल गया और उन्होंने ये लुटिया यहाँ पे रख दी। और अब हम यहाँ पे सारे एक साथ जल देंगे। हमने यहाँ पे हाथ भी लगा लिया अपना, सबके हाथ भी लगने जरूरी है। हम वापिस आ गए, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे। अभी एक यहाँ से पूजन डन हो गया, अब दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, दिखाएंगे आपको। तो भाई जिसको नहीं पता, ये है अपने गांव के खेत, ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं। और अब हम ये आ गए दूसरी लोकेशन पे। अब यहाँ पे हमने कहा कि कपल्स कपल्स एक साथ हो जाएं, तो ये हमारे वाले कपल्स एक साथ आते हुए ऊपर देखो पूजा करते हुए भी एक बढ़िया माहौल बन रहा है। लो भाई फिर एंट्री करवा दी जाए, सबकी एंट्री हो गई है। बैठेंगे, सामान रखेंगे सब लोग। हमारे बड़े बाबूजी माथा टेक रहे सबसे पहले यहाँ, और पीछे पापा अपना सामान निकाल रहे हैं जो जो यहाँ पे रखना है। तो भाई देखो, बड़े को सब कुछ पता होता है, तो बाबूजी से शुरुआत करते हैं। बाबूजी जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे। तो सबसे पहले बाबूजी ने रखा, फिर अब हम लोग रखते हैं। और अब यहाँ पे भाई एक चावल के साथ माउंटेन्स बना रहे हैं, कुछ बनाने होते हैं वो नहीं पता किस लिए, बट बना रहे हैं। और ये बाकी का सामान भी जो है वो भी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं अपने। यहाँ पे भी यही चीज होती है कि शायद एक चक्कर होता है यहाँ पे, तो और हर चक्कर के बाद यहाँ पे माथा टेकना होता है। और मतलब जैसे अपने बड़े होके पैर दबाते हैं ना, तो ऐसे ही इनके दबाना होता है, पैर टाइप होता है, इनका आशीर्वाद लेना होता है। आशीर्वाद ले लिया, अब यहाँ पे सबकी पूजा हो गई। अब यहाँ पे सब लोग वापिस जाते हुए नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लोकेशन। तो जैसा भाई चढ़े भी कपल्स के साथ है, तो अब उतरना भी कपल्स के साथ ही है, तो ये लो फिर। पीछे पीछे बोगे से पीछे पूरा एकदम ऐसे ही आना चाहिए आस्था पर। तो गाइस, गांव की गलियां कुछ ऐसी दिखती हैं, छोटी छोटी, कहीं पे कुछ ट्रैक्टर है, कहीं पे मतलब भीड़ है, एक तरह से सन भी आ रहा है, पीछे अपनी फैमिली भी आता है सब इकट्ठे, कितना मजा है। गिर दिया मसाला, गिर दिया 50 का। तो भाई अभी हम जा रहे हैं खेड़े बाबा पे, अब दिखाते हैं वहाँ पे भी क्या सीन बनता है, और अपना पुराना घर भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये भाई घर इसलिए ऐसा है मतलब कि कोई रहता नहीं यहाँ पे इसलिए। और भाई जो ये जगह है ना, यहाँ पे बचपन में हम इतना खेला करते थे कि बस क्या ही बताए, जब भी मैं यहाँ पे आता था गांव में। और यहाँ पे अपना फैमिली का अराइवल भी हो चुका है खेड़े बाबा की ओर। जय खेड़े बाबा। तो भाई आ गए अपना खेड़े बाबा की ओर, दर्शन कर लिए, जय जय कर लीजिए आप भी। और यहाँ पे हमारे पंडित जी को राम राम। तो गाइज अब यहाँ भी आ गए, यहाँ की भी पूजा स्टार्ट करते हैं, सामान निकालते हैं, अभी खोल रहे हैं। ये लो फिर यहाँ भी स्वास्तिक कर दिया जाए, पूजा स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे पूजा के बाद मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे अपना एक कुआ हुआ करता था बहुत टाइम पहले, जब मैं छोटा होता था ना,
तो गाइस ये है हमारा पुराना घर जिसमें हम बचपन में रहा करते थे, बचपन में यहाँ पे खेला करते थे, बचपन में अपनी बहुत ही मौज मस्ती किया करते थे। हमारी बचपन की मेमोरीज सारी मेरे भाई की, मेरी दीदी की, जो और भी मेरे बड़े हैं उनकी सबकी मेमोरीज यहाँ से जुड़ी हैं। यहाँ पे रंगोली भी है और यहाँ पे हमारे साइड वाले एक बूढ़े अंकल भी बैठे हैं। बहुत मेमोरीज है यार यहाँ पे हमारी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा मोमेंट था वो एक। अब तो ये साला थोड़ा हॉन्टेड हाउस से सोया हुआ है, बट एक टाइम में जब हम रहते थे ना यहाँ पे, बिल्कुल सक्सी मजा आता था यहाँ पे रहने में। अपना ये बाहर वाला रूम कमरा एक, इसमें माँ जी रहती थी। ऐसे ही लगता था ना, स्टेप बढ़ जाता था। अरे भाई ये देसी चूल्हा, कितने लाल लाल अमरूद खाए, अमरूद के नीचे फोटो खिंचा लो, लाल लाल अमरूद खाए इसके नीचे। चल चला जा निकल, कहाँ है झूला? ये पहले आधी छत थी ये ना, इस पे से टाप के जाते थे हम लोग। ये सिर्फ इतनी आधी छत थी, टाप के अपन दूसरे घर पे खेलने जाते थे। ये मेरी फोटो है छोटे होते हुए की। भाई क्या हालत हुई है इसके घर की अब। और मैं यहाँ से ना इस घर में टाप के चल रहा था। अब तो ये बिल्कुल ही हॉन्टेड हाउस जैसा होया हुआ बेचारा, बट बढ़िया है घर। इधर से था एक रास्ता, कोई रहता है यहाँ पे तो शायद ना, पता नहीं कोई रहता है शायद, तो आप जा नहीं सकते। और एक ये नीचे वाले कमरे का शॉर्टकट दरवाजा। तो भाई ये है चप्पल, यहाँ पे मैं जब भी आता था यहाँ पे खेला करता था। अब तो बिल्ड होगी काफ़ी ज़्यादा, पहले नहीं थी इतनी। ले भाई आ जा तू भी। अब ये खेड़े बाबा को गए, अब कहाँ चल रहा है, कौन सा वो है बेबल खान शायद, पता नहीं क्या कुछ। अपना खेड़ा बाबा भी हो चुका है, पूजा हो गई, अब नेक्स्ट लोकेशन पे चल रहे। चलो चले, चलो चले। अरे वाह, स्माइल के लिए तो यार एक लाइक बनता है, बाकी स्माइल। अब ये है अपनी लास्ट लोकेशन जहाँ पे हम लोग पूजा करनी है। एक रूल तो सब में सेम है कि हर पूजा के बाद, हर जगह पे माथा टेकने के बाद ये गोल चक्कर परिक्रमा जरूरी है, और यहाँ पे गोल चक्कर काटते हैं, परिक्रमा करते हुए ये माथा टेकना भी जरूरी है। इनको थोड़ा थोड़ा हाथ लगाना जरूरी है आशीर्वाद। अब चलते हैं अपने वापस घर की ओर, चलो चले यार। आज अब फिर से इसको गाँव को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। अब फिर से अगले साल यहीं पे मिलेंगे हमको गांव में। अब यार पहले बहुत आते थे, अब तो ये सिर्फ दिवाली पे आना होगा। चलो अभी पहुंच के हम यहाँ पे घर पे सीएचटी लग गया ना सिंबा, उधर जाने के बजाय। लो पुट्टू हमारा सिंबा, इधर आओ कुत्तू, इधर इधर।